नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 8 के द्वितीय पाठक वृक्षारोपण से महत्वम का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। वत्सा वृक्षा केवलम सौंदर्याय न सन्ति अपितु वृक्ष तत्रत्या मित्रिका अपि सुरक्षिता भवति। बच्चों, वृक्ष केवल सौंदर्य के लिए नहीं होते, बल्कि उससे वहां की मिट्टी भी सुरक्षित होती है। वृक्षाणाम अभावे मरुभूमि प्रसार संभवति। वृक्षों के अभाव से मरुस्थल का प्रसार संभव होता है। अतः वृक्षाणाम रक्षा आवश्यकी। अतः वृक्षों की रक्षा आवश्यक है। अपि च जलानाम वर्षणे परिवेशस्य शुद्धिकरणे फलदानेन छायादानेन च अस्माकं पोषणेन वृक्षाणाम महत्तो उपादेवता। और जल वर्षा के लिए, परिवेश के शुद्धिकरण के लिए, फल दान के लिए और छाया दान के लिए, अस्माकं हमारे पोषण के लिए वृक्षों की बहुत उपयोगिता है। केचित् अज्ञानतावशात् केचित् स्वार्थपूर्तये तान् छिदन्ति। कुछ अज्ञानता के कारण और कुछ स्वार्थपूर्ति के लिए इसे काटते हैं। तेन न जानन्ति वृक्ष छेदे जीव हत्या भवति। वे नहीं जानते कि वृक्षों को काटने से जीव हत्या होती है। महाभारती एका कथा वर्तते। महाभारत में एक कथा है। एकदा इंद्र एकम वृक्षम अछिन्नत। एक बार इंद्र ने एक वृक्ष को काटा। तेन सह जीवन वधस्य पापेन युक्ता अभवत्। उसके साथ वे जीव वध के पाप से युक्त हुए। किम युयम न जानिथा। श्री जगदीश चंद्र वसु नामक विख्यात वैज्ञानिक वृक्षेषु अपि जीवन सत्ता अस्ति इति अवर्णयत्। क्या आप लोग जानती हैं कि जगदीश चंद्र वसु नामक विख्यात वैज्ञानिक ने वृक्षों में भी जीवन है इसका वर्णन किया। मत्स्य पुराणे लिखितम अस्ति। मत्स्य पुराण में लिखा गया है, दश कूपम समावापी दश वापी समो हदह। दस हदह समह पुत्र दश पुत्र समो द्रुमह। अर्थात दस कुएं से के समान एक बावड़ी, दस बावड़ी के समान एक तालाब और दस तालाब के समान एक युगी पुत्र और दस युगी पुत्रों के समान एक पेड़ का फल देता है। फिर से हम इसका अर्थ बताते हैं आप लोगों को। दस कूप समावापी दस वापी समो हदह। दस हदह समह पुत्र दस पुत्र समो द्रुमह। अर्थात दस कुओं के समान फल देने वाला एक बावड़ी, दस बावड़ी के समान फल देने वाला एक तालाब, दस तालाबों के समान फल देने वाला एक युगी पुत्र और दस युगी पुत्रों के समान फल देने वाला एक वृक्ष का रोपण और उसका संरक्षण होता है। दश कूपानाम निर्माणाय यत पुण्यम तत् एकस्या वाप्या निर्माणेन। दस कुओं के निर्माण से जो फल होता है वह फल एक बावड़ी के निर्माण से होता है। दस वापी खनन समा पुण्यम एकस्य हदा समा निर्माणेन भवति। दस बावड़ी को खोदने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एक
तालाब के निर्माण से होता है। दस्य हिदानाम निर्माणेन यत पुण्यम तदेकस्य पुत्रस्य उत्पादनेन, दस तालाबों को खोदने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एक पुत्र के उत्पन्न करने से होता है। दस पुत्राणाम उत्पादेन यत महत्वम, दस युगी पुत्रों के उत्पन्न करने का जो महत्व होता है तत् एकस्य वृक्ष रोपणेन भवति, वह एक वृक्ष को बोने से होता है। अतः वयम् अपि स्वगृहे एकैकं वृक्षरोपणं करिष्यतः, अतः आप लोग भी अपने अपने घरों में एक वृक्षरोपण करेंगे। तेषां रक्षणं च करिष्यतः, और उसकी रक्षा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि अगले एपिसोड में जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।